माननीय प्रधानमंत्री का कोई असर यहाँ पर नहीं दिखाई दिया और ये जीत बहुत बहुत तगड़ा जीत है और ये जीत एक सिंहभूम के लिए एक मिसाल है। ये लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, ये लोग संविधान का खिलाफ काम कर रहे हैं और इसका कोई औचित्य नहीं है, सबका साथ सबका विकास नहीं है। तो इसमें आज झटका लगा सिंहभूम में और हम जो बात बोले वो सच साबित हुआ। मायोरिटी का जितना वोट था मुस्लिम का खास करके वो पूरा का पूरा हम दिलाने का पूरा कोशिश किए और इसमें आप पूरा सफल हुए और आज उसका नतीजा सामने है। कोई धर्म की राजनीति अब चलने वाला नहीं है, लोग को समझ में आ गया है कि क्या अब भारत में हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, अब उसका जवाब लोग दिया है। इसके आने वाला समय में अगर सुधार नहीं होगा तो आज जवाब मिलेगा। जब लोकसभा वो नहीं जीतने सकी तो विधानसभा में क्या गारंटी उनके दे सकते हैं कि सब यहाँ के सब विधायक लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और खुद वो जिसको विधायक बनाए थे कांग्रेस से सिंकू जी, वो भी जगन्नाथपुर में एनडीए गठबंधन के साथ में है, तो सब डटे हुए हैं और कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा ये लोग विधानसभा में। अभी जितना दूर दूर दिखाई दिया ना वो उससे भी पीछे चला जाएगा। अगला विधानसभा का जो चुनाव होगा कोल्हान में पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कांग्रेस का पूरा दबदबा रहेगा और सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा का झारखंड में बनेगा। अभी तो कोल्हान में शुरुआत है, चाईबासा सिंहभूम जो हॉटसीट था उसका शुरुआत है। अभी तो कई जीत बाकी है, अभी कई हार बाकी है, अभी तो देखिए आगे आगे कितना जीत बाकी है। नमस्कार, मैं हूँ दशरथ प्रधान और सुशील संवाद देख रहे हैं आप। हमारे साथ मोहम्मद बारिक जी जुड़ रहे हैं और ये सुर्खियों में तब आया जब इन्होंने जो है 20 साल का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ छोड़कर जिन्होंने नॉमिनेशन सभा में कहे कि जो माझी जी का नॉमिनेशन सभा में जो है बहुत तगड़ा झटका देते हुए बीजेपी से को ये इंडिया गठबंधन में शामिल हो गया और इसी के साथ चाईबासा में जिस राज रिजल्ट सामने आया, चाईबासा में सबसे बड़ा मार्जिन देखने को मिला, सबसे बड़ा मार्जिन में जो है यहाँ जो माझी जी जीत दर्ज की है और पूरी आंकड़े की बात करें तो 168,000 वोट उनको प्राप्त हुआ है आसपास और इसी के साथ एक बहुत बड़ा जीत दर्ज की है। तो चाईबासा में इनका जो है एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जो प्रचार प्रसार जो व्यापक रूप से हुआ, जिस तरह मौसम में भी इस बार भीषण गर्मी थी और समय भी बहुत कम था, लगातार इतनी बड़ी जो है 6 विधानसभा कवर करना बहुत मुश्किल था। आप अपने तरफ से जो चाईबासा में चाईबासा की जो जनताओं को जो है आपने जो मैसेज दिया और जब आपने हमसे बातचीत की थी वो मैसेज को कहीं ना कहीं जो है जनता ने जो है इसको वोट में कन्वर्ट किया, इस बार जिस तरह की बातें सही बातें सामने आई, राहुल गांधी सामने आए और उसके बाद उन्होंने जो संविधान की बात कही और उसी का जो है प्रतिफल देखने को मिला कि आज जवाब मांझी जी है आज इतने बड़े वोट के अंतर के साथ वो जो है आज जीत दर्ज की है। क्या कहेंगे दादा, क्या उत्सुकता है, आप जो है लगातार यहाँ पे जुलूस निकाली गई और उसके बाद आप जो है घरों में आए हैं, आपसे बातचीत करने के लिए हम पहुंचे। ऐसा है कि ये तो होना ही था, ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मैं था तो उस समय क्या उन लोग का काम था, कैसे क्या हुआ, हम तो बता ही थे आपको कि गीता कोड़ा मन की बात में फंसे, अरे इस बार उनको पता चल जाएगा। तो आज का जो जीत है वो ऐतिहासिक है सिंहभूम के लिए, खासकर सिंहभूम लोकसभा सीट बहुत हॉट सीट माना जाता था, बहुत हॉट सीट। तो इसमें मोदी जी भी आए थे, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री भी अमित शाह भी आए थे और बाद में राहुल गांधी जी आए और प्रचार प्रसार तो आप भी थे देखे हैं, लेकिन उसका माननीय प्रधानमंत्री का कोई असर यहाँ पर नहीं दिखाई दिया और ये जीत बहुत बहुत तगड़ा जीत है और ये जीत एक सिंहभूम के लिए एक मिसाल है और यहाँ पर ये तय हो गया कि यहाँ पर जब भी जीतेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीतेगा। और हम तो आप जो कहे कि 20 साल तक रहे, हम उससे भी ज्यादा दिन तक रहे और हम रहने के बाद हमको एहसास हुआ कि नहीं, ये लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, ये लोग संविधान का खिलाफ काम कर रहे हैं और इसका कोई औचित्य नहीं है, सबका साथ सबका विकास नहीं है। तो इसमें आज झटका लगा सिंहभूम में और हम जो बात बोले वो सच साबित हुआ और इसमें हम जिस दिन से ज्वाइन किए उसमें हमारे साथ जितना नौजवान लड़का लोग ये लोग थे, बहुत लोग मुस्लिम लड़का लोग ज्वाइन किए एक साथ में, आप भी देखे हैं उस दिन उसके बाद से हम लोग जब चुनाव प्रचार में जुटे बहुत व्यापक रूप से हम लोग जुटे
तैयारी भी किया हम लोग का था, और ये जो लड़का लोग है ये लोग बहुत तन मन धन लगा के पूरा काम किए, और मायोरिटी का जितना वोट था मुस्लिम का खास करके वो पूरा का पूरा हम दिलाने का पूरा कोशिश किए, और इसमें आप पूरा सफल हुए, और आज उसका नतीजा सामने है कि मंत्री मंत्री यहाँ का जो थे दीपक बिरुवा जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। आज आप देख ही लिए कि वो चाईबासा विधानसभा में उनका मुकाबला में कोई है ही नहीं, आने वाला दिन में भी नहीं रहेगा। माननीय दीपक बिरुवा जी मंत्री, उनके साथ में रहा हूँ बहुत दिन, और उन्हीं का मार्गदर्शन में मैं आया हूँ, तो मैं मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई दीपक बिरुवा जी काबिले तारीफ नेता है, और साथ साथ हमारे जो चंपाई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत बढ़िया हमारे साथ रहे हुए आदमी है, और हम जोबा मांझी जी को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनका जो हस्बैंड थे देवेंद्र मांझी वो मेरा खास दोस्त थे, तो ये ग्रास रूट का नेता है लोग, और ये हम लोग ग्रास रूट का नेता है, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो और यहाँ का लोगों का जो गरीबी हो दूर हो, बेरोजगारी दूर हो। जिस तरह नाम सामने आया उसके बाद लगातार जो है गीतागुड़ा मैडम का चर्चा रहा कि यहाँ पे जो हो समुदाय है वो जो है एक नॉन हो को वोट नहीं करेगी, बहुत कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज देखने को मिला, लेकिन आखिरी में इतनी बड़ी बढ़त जो है इसके लिए क्या कुछ मेहनत आप लोग ने किस तरह की है, और जो ये जैसे कि यहाँ पे जिस तरह आपने कहा कि अमित शाह जी आए उनके देखरेख में ये सीट, उनके जो है चाणक्य कहा जाता है जिनको वो कहते हैं कि चाणक्य है, उनके जो है उनके उनको दिया गया था जिम्मेवारी कि आप इस सीट को निकाले, क्योंकि एकमात्र जो है कांग्रेस की सीट थी, लेकिन जो है जो आज जिस तरह की नतीजे देखने को मिला ये पूरा विपरीत है। किस तरह जो ये जो शोरगोल है वो अल्लाह है, जिस तरह ये देखने को मिल रहा था कि यहाँ कांटे की टक्कर होगी लेकिन यहाँ पे जो है क्लीन स्वीप कर गई, इसके पीछे क्या कुछ था? देखिए इसके पीछे पूरे जानते थे लोग, और हम आपको भी बता चुके हैं कि कहीं नहीं है जो जी, कल आप हमसे क्वेश्चन भी किए थे कि एक बड़ा चेहरा है, लेकिन हमने कहा कि भाई चेहरा कोई देख के वोट नहीं देगा, और चेहरा से कुछ मतलब नहीं है, तो ये चेहरा बेनकाब हो गया, और बहुत बृहद परिमाण में मार्जिन से जीत हुई जोबा मांझी का, और सभी लोग इसमें मेहनत किए, जितना यहाँ का विधायक लोग थे सब लोग, हम खुद चुनाव प्रचार में थे बहुत जगह गए हैं, और आपसे भी कई जगह हम लोग को भेंट मुलाकात हुआ है, लेकिन हमको जहाँ भी गए हमको वहाँ पब्लिक का रुझान देखे कि पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ है, कहीं जोबा मांझी नहीं है। और मोदी जी ये पहली बार नहीं आए, इसके पहले भी आए, जब भी आए तब भी उनका कैंडिडेट हार गया। ये भी एक अटकल लगा जा रहा था कि जब भी मोदी जी यहाँ सिंहभूम आते हैं तो उनकी कैंडिडेट की जो है हार सुनिश्चित होती है, कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं कि ये विडम्बना भी कह सकते हैं, और उसके बाद अब ये भी कह सकते हैं कि ये जो है एक तरह की संयोग भी बनती है। तो इसी का दा जैसे कि आप बीजेपी में भी रहे हैं तो जो पार्टी की विचारधारा है वो भी समझ रहे हैं, अब जो आप इंडिया गठबंधन की नेता है तो ये भी समझ रहे हैं, जिस तरह देश में 2004 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था, 2014 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, और 2024 में आज एक जो है चौंकाने वाला रिजल्ट यहाँ सामने आया, जिस तरह उत्तर प्रदेश की बात करें, जो हिंदू कम्युनिटी की जो कोर कम्युनिटीज की बात करें, तो एक धर्म की और राजनीति जो जा रही थी लेकिन भारत की जनता जो है उसको जो सीधे सीधा इसको नकारते रहे कि नहीं, बिल्कुल नकार दिया, ये कहीं कोई टिकने वाला बात नहीं, कोई धर्म की राजनीति अब चलने वाला नहीं है, लोग को समझ में आ गया है कि क्या अब भारत में हो रहा है, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, अब उसका जवाब लोग दिया है, और इसके आने वाला समय में अगर सुधार नहीं होगा तो आप जवाब मिलेगा, और आप तो खुद देख रहे हैं यूपी मेन जो गढ़ है जहाँ आप बोल रहे हैं, जहाँ राम लला का जाके मोदी जी ये किए, तो वहां भी इन लोग का पूरा बुरी तरह हार हुआ, तो इस तरह से इसको इन लोग को सोचना है कि अभी हमको करना क्या है, अगर ये चीज आप लोग सोच के चले गए धर्म वाला राजनीति तो ये आप चलने वाला नहीं है, लोग भारत का जनता एक आपके बगीचा है जिसमें विभिन्न तरह का फूल है, सब गुलदस्ता की तरह है, और इसमें जो है अगर आप किसी को उसमें बाईपास कीजिएगा, किसी को कुछ कीजिएगा, तो ये लोग समझ जाता है कि हम किधर जा रहा है, और छेड़छाड़ जब आप कीजिएगा तो आपके साथ भी छेड़छाड़ होगा, अनाज होगा,
तो गीता मैडम से जब हमने बात किया तो उनका कहना है कि एक पड़ाव मात्र है और जो है जीत हार लगी रहती है, पड़ाव मात्र है और उनको कोई संकोच नहीं है और या फिर कोई भी उनको हताशा नहीं हुई कि वो जो है पार्टी बदले हैं और जो है उनको एक सत्ता से आज बेदखल हो चुकी हैं, बीते 10 साल से वो सत्ता में काबिज रही। अब जो है अगला विधानसभा चुनाव में वो कहेंगी कि कहेंगी ये जो है हमारे कार्यकर्ता और भी दुगुना दमखम के साथ विधानसभा चुनाव में इसका जो है शिकस्त देंगे और आपका जवाब देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और खुद वो जिसको विधायक बनाए थे कांग्रेस से सिंकू जी, वो भी जगन्नाथपुर में एनडीए गठबंधन के साथ में है, तो सब डटे हुए हैं और कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा ये लोग विधानसभा में। अभी जितना दूर दूर दिखाई दिया ना, वो उससे भी पीछे चला जाएगा और कुछ नहीं रहेगा इन लोगों के पास। अगला विधानसभा का जो चुनाव होगा कोल्हान में, पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कांग्रेस का पूरा दबदबा रहेगा और सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा का झारखंड में बनेगा, ये कहीं किंतु परंतु की बात नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन लोग। आज माननीय हेमंत सोरेन जी को जो जेल में डाला तो जेल का जवाब वोट से मिला, ये भी फैक्टर है। जहां दो था वहां 5-6 हो गया, तो सवाल है कि इसमें सोचने वाला बात है। और ये लोग का नेतृत्व में अब कल्पना सोरेन भी आ गई, तो इन लोग का नेतृत्व में इन लोग कहीं नहीं टिकेगा एकदम। आप जान के रखिए, क्योंकि मैं बनू बहुत हम बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं, मैं अर्जुन मुंडा के साथ भी रहा हूँ, तो अर्जुन मुंडा मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड थे, उनके साथ में हर दुख सुख में उनके साथ रहा। आज उनका देखिए क्या गत हुआ। तो आप अगर किसी अपने आदमी को भूल जाएंगे तो उसका नतीजा तो अगर भोगने होगा। तो आज 1,75,000 वोट से हार गए, बहुत सोचिए बात है। तो इसलिए लोग को जब सत्ता में रहता है तो सत्ता का घमंड में चूर नहीं होना चाहिए, आम जनता से मिलना चाहिए, लोगों का दुख सुख में साथ देना चाहिए, लोगों का क्या तकलीफ है उसको समझना चाहिए। और ये जो जुबामा जी मैडम है, ये ग्रास रूट के नेता हैं, इनके पति भी ग्रास रूट के नेता थे, तो इन लोग ये समझती है, बहुत सीधी साधी महिला है और ये हर लोग के साथ रहेंगे। मेरा पूरा एक एक आरंभ बात बता दे रहे हैं आपको कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो कोल्हान में शुरुआत है, चाईबासा सिंहभूम जो हॉट सीट था उसका शुरुआत है, अभी तो कई जीत बाकी है, अभी कई हार बाकी है, अभी तो देखिए आगे आगे कितना जीत बाकी है, ये निश्चित है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपको हमसे जुड़ने के लिए और जिस तरह हमने संयम से जो है बातचीत किया, आपसे जाना प्रयास किया। आज दिन भर बहुत गहमागहमी थी, तमाम जो है राजनीतिक दल के पार्टी नेता लगातार लाइव के माध्यम से जुड़ रहे थे और अपना विचार रख रहे थे। बहुत शोरगुल रहा आज स्टूडियो भर में और जो है अभी विराम चाहिए आपको भी और हमें भी, इजाजत दीजिए। आज सोशल संवाद से हम आपको दिखा रहे थे यहाँ से सिंहभूम सीट से जो है क्या कुछ नतीजा है।